हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। अपनी पहली न्यूज़ आ रही है पीसी को लेके, तो गाइस पीसी की डे वन की ओवरऑल स्टैंडिंग आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देख ही सकते हो। पहले है आरएनजी, सेकंड पे है नोवा एक्सक्यूएफ, तीसरे पे है 4AM। नेक्स्ट न्यूज़ रेगल्टॉस को लेके, तो गाइस रेगल्टॉस ने फाइनली स्टार्ट कर दी है व्लॉगिंग अपने चैनल पे। तो गाइस अगर आपने अभी तक नहीं देखा उनका दिवाली पहला व्लॉग, तो आप उनके चैनल पे जाके देख ही सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ अस्तर को लेके, तो अस्तर ने बोला जब इंडिया के अंदर पबजी वापस आएगा और वापस कॉम्पिटिटिव स्टार्ट होगा और वो लीडर बोर्ड के अंदर टॉप पे नहीं रहेंगे, तो उन्होंने ऐसा बोला कि अगर उनको ऐसा लगा इन फ्यूचर कि वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, उन्होंने अपना 100% दिया फिर भी वो अच्छा नहीं खेल पा रहे, तो उन्होंने बोला वो कॉम्पिटिटिव लीव कर देंगे और कंटेंट क्रिएशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। टेक न्यूज क्रॉन्टन को लेकर, तो गाइस क्रॉन्टन ने एक बहुत सरप्राइजिंगली बात बताई है। वो क्या बोला मैं आपको बता देता हूँ। तो क्रॉन्टन ने बोला जब पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर आएगा तो सबसे पहले यानी कि उसी दिन गेम को डाउनलोड कर लेना और लॉग इन कर लेना, क्योंकि क्रॉन्टन ने ऐसे बोला कि जिस दिन गेम आएगा उस दिन कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। तो गाइस वो जो सरप्राइज होगा वो 2-3 दिन के बाद अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो शायद गाइस अपन को हो सकता है कुछ इंडियन आउटफिट देखने को मिले या कोई स्किन्स देखने को मिले। तो गाइस आप सभी को मैं ये अवेयर करना चाहता हूँ कि जिस दिन गेम आया अगर आपके पास उतना इंटरनेट है तो आप डाउनलोड जरूर कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपन को 800 सब्सक्राइबर टच करने के लिए सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स की नीड है। तो गाइस जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, इस महीने के एंड तक कम से कम 800 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट कर रहे हैं इस चैनल पे। नेली न्यूज़ मॉर्टल को लेके, तो जब मॉर्टल लाइव थे तो उनसे पूछा कि सोल का क्या लाइनअप रहने वाला है, तो मॉर्टल ने बोला कि बहुत जल्द वो प्लेइंग 4 के अनाउंसमेंट कर देंगे और बोला कि अब टीम में वो एज अ 6th प्लेयर खेलेंगे। आपने सही सुना, वो एज अ 6th प्लेयर सोल के अंदर खेलेंगे। उन्होंने बोला वो टीम को मेंटोर करेंगे और बोला कि वो अब नहीं खेलना चाहते और उन्होंने ये भी बोला कि वो अपनी फैमिली को संभालना चाहते हैं। तो गाइस आप सभी का क्या कहना है इस बिग डिसीजन के ऊपर, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। अपने अगली न्यूज़ क्रॉन्टन को लेके, तो गाइस क्रॉन्टन ने बात करी कि अब ई स्पोर्ट्स के अंदर कैसे एंटर होना है, क्योंकि गाइस आप सभी को पता ही है अब एक अलग वर्जन आ रहा है, तो जो ई स्पोर्ट्स है वो वापस जीरो से स्टार्ट होगा। वो तो है कि अपने कुछ टीम्स और प्लेयर्स पहले से उस जगह पे पहुंच चुके हैं, मगर थोड़ा इजी होगा जिस न्यू प्लेयर्स को अंदर एंटर करना हो ई स्पोर्ट्स के अंदर, तो उनके लिए थोड़ा इजी होगा। तो क्रॉन्टन ने क्या कुछ बोला वो आप खुद ही सुन लीजिए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्लेयर या किसी को लेना चाहती है उनके टीम में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको इंस्टा पे टैग करो, तुम्हारे गेम प्ले शेयर करो, तुम्हारे चीज़ें सारे शेयर करो, और मतलब यही यार, सोलो बंदे के लिए कोई सजेशन, सोलो के लिए वही है यार, टीम ढूंढो। अगर तुम अकेले हो, तुम्हारे पास टीम नहीं है, तो सबसे पहली बात टीम ढूंढो। अपने अगली न्यूज है कॉन्ट्रोवर्सीज को लेके, तो गाइस किसी ने भी किसी स्ट्रीमर का नेम मेंशन तो नहीं किया, मगर इनडायरेक्ट वे में सभी एक दूसरे को ताने दे रहे हैं आजकल। तो मैं आपको बता देता हूँ, एंको ने इंस्टाग्राम पे लिखा है कि आजकल बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हम करियर बनाते हैं और मैं ये मानता हूँ कि मेरे को YT पे किक स्टार्ट देने में उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी मेहनत करी नहीं। तो और क्या कुछ लिखा वो आप मेरे स्क्रीन पर पढ़ ही सकते हो, इतना सिर्फ एंकोर ने लिखा। तो इसी पर घातक रिप्लाई देते हुए ये बोलते हैं, और उन्होंने एंकोर को टैग किया और रिपोस्ट की उनकी स्टोरी और ये लिखा कि कौन सी फील्ड में आ गया ये, मुझे करने दो, तब तक तुम ड्रीम 11 पे टीम बना लो। तो गाइस घातक ने भी ऐसा ही टोन मारा। तो गाइस इन्होंने किसी भी स्ट्रीमर का तो नेम मेंशन नहीं किया। आपको क्या लगता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है? इन दिनों आजकल बहुत सारे स्ट्रीमर्स एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट डाल रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरी न्यूज़ स्काउट को लेकर, तो गाइस स्काउट से पूछा कि जब पबजी आएगा तो आप पबजी की स्ट्रीम करोगे क्या और करोगे तो कितना आवर्स आप खेलोगे? तो स्काउट ने बोला कि वो 2 आवर सिर्फ पबजी की स्ट्रीम करेंगे, जैसे कि पहले की तरह वो नहीं करेंगे, जैसे कि वो पहले 10 आवर खेलते थे दिन में, कॉम्पिटिटिव की भी प्रैक्टिस करते थे और स्ट्रीम भी करते थे। तो स्काउट ने बोला सिर्फ अब वो 2 आवर्स ही खेलेंगे। तो गाइस आप सभी इससे भी अंदाजा लगा सकते हो शायद स्काउट भी इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव लीव कर दे और कंटेंट क्रिएशन पे ज्यादा फोकस करें। इतनी आज के लिए कुछ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज़ में। उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डेली गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।